पायल चलो जल्दी, लेट हो रहा है यार। क्या कर रहे हो यार, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे आज कुछ ज्यादा ही लेट नहीं हो रहा है तुम्हें? ऐसा नहीं है, एक्चुअली ऑफिस में इम्पोर्टेंट काम है। अच्छा, हाँ मुझसे भी ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? तुम्हारा ऑफिस नहीं है क्या? नहीं। ठीक है, तुम एंजॉय करो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। पता नहीं कैसा आदमी है ये, दिन में ऑफिस चला जाता है और रात को जल्दी सो जाता है। पता नहीं हमारे बच्चे कब होंगे, होंगे भी या नहीं। रुचि का फोन? हाँ रुचि, कैसी है? दी मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, बता कैसे फोन किया? अच्छा मैं क्या कह रही थी ना कि कल मैं आ रही हूँ, अब मेरे ना कॉलेज की छुट्टी हो गई है तो सोचा आपके और जीजू के साथ टाइम स्पेंड करूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ दी है तूने। चल तू अब जल्दी से आ जा और दोनों बहनें बैठकर ना ढेर सारी बातें करेंगे। ओके दी, अपना ध्यान रख लो। ठीक है। ना जाने आजकल अभिषेक ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। मैं जब भी उनके पास जाने की कोशिश करती हूँ वो हमेशा खुद को दूर कर लेते हैं। कहीं अभिषेक का इंटरेस्ट मुझ में खत्म तो नहीं होता जा रहा? क्या मैं पहले जैसी नहीं रही? अभिषेक का किसी और के साथ कुछ? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं बिना कुछ भी सोचती रहती हूँ। हाय रुचि, कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ। पता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था आने का। ओह रियली? और नहीं तो क्या। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि आने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई? अब बिल्कुल भी नहीं। वैसे एक बात कहूँ? बता। मैं तो आपको यहाँ पे सच्ची में तंग करने आई थी। जिसकी इतनी खूबसूरत साली हो वो वाला क्या परेशान होगा। अंदर चले। चलो छोड़ो छोड़ो। और दीदी कैसे है? मस्त, तुझे मिल ले। दीदी रुचि कैसी है? बहुत अच्छी, पहले से फिट एंड फाइन। हाँ वो तो दिख रहा है, काफी स्लिम हो गई है तू और वेट बहुत लूज नहीं कर लिया? बताया था ना जुम्बा,
ज़ुम्बा ज्वाइन किया मैंने। हाँ हाँ, पिक्स देखी है मैंने तुम्हारी सोशल मीडिया पे। अच्छा जीजू, तो इसका मतलब है कि आप मुझे स्टॉक कर रहे हैं? यस। चलो तुम लोग बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है, चलो आओ बैठ। काफी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। किसका फोन था? बॉयफ्रेंड? नहीं, फ्रेंड, अब जस्ट नॉर्मल फ्रेंड। ऐसे बॉयफ्रेंड तो हो गए तुम्हारा? बिल्कुल भी नहीं जीजू, मेरा पूरा का पूरा फोकस ना पढ़ाई और मेरे करियर पे। हाँ, लेकिन कोई आप जैसा हैंडसम लड़का मिले तो सोचा जा सकता है। वाओ, और क्या बातें हो रही हैं जीजा साली की? बस कुछ नहीं, तुम्हारी बुराई। हाँ, और तुम कर भी कर सकते हो। सॉरी, मुझे लगा तुम्हारी दीदियों की किचन में। अरे कोई बात नहीं जिया जी, एक्चुअली मैं जल्दी में अपनी नाइट ड्रेस लाना भूल गई तो मैंने दीदी की ले ली। और जीजा साली क्या बुराई कर रहे हैं मेरे बारे में? क्या यार पायल, ये बेचारी आज ही आई है और तुमने से आते ही काम पे लगा दिया। क्या जीजा जी, दीदी के हाथ का खाना तो आप हमेशा खाते हैं, आज आप अपनी साली साहिबा के हाथ का खाना भी खा के देखिए। जरूर, खाना भी खाएंगे और तारीफ भी करेंगे। वाह भाई वाह, आज तो खाने का स्वाद ही अलग है एकदम। दीदी एक मिनट, मेरे कॉलेज फ्रेंड का फोन है तो मैं बात करके आऊँ। ठीक है। रॉकी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला ना कि मुझे फोन मत करो, अगर अब तुमने दोबारा फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब ठीक है ना? कोई परेशानी? हाँ जीजू, सब ठीक है।
अरे आज तुम ऑफिस नहीं गए? अरे नहीं नहीं, आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है एक्चुअली, तो घर से काम कर रहा हूँ। ठीक है। ऐसे क्या देख रहे? तुम्हारी खूबसूरती। अच्छा, और तुम्हारी आंखें, ये रेशमी जुल्फें। अब जीजू, ये आप क्या बोल रहे हैं? पता है, जब से तुम आई हो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ऐसे कैसे चीजू ये सब? आई रियली लाइक यू रुचि। तुम रुको, मैं देखता हूँ। किसे मिलना है? मुझे रुचि से मिलना है। कौन है तो? यहाँ तुम मेरा पीछा करते हो, यहाँ तक आ गए? है कौन ये? एक पागल जो मेरे पीछे पड़ा है। रुचि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रुचि, प्यार वार गया सब भाड़ में, तुम्हें समझ नहीं आता? देखो रोकिया, अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए ना, तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। रुचि, हम आराम से बात कर सकते हैं, एक बार मेरी बात सुन लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? जाओ यहाँ से। चल निकल यहाँ से, वरना मार मार के मोर बना दूंगा। छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। अरे जीजू, आप इस वक्त और मेरे कमरे में? अरे मैंने सोचा कहीं तुम अकेला फील ना कर रही हो, तो बस देखने आ गया। आई मीन आज दिन में जो भी हुआ, कहीं उसकी वजह से तुम टेंशन में ना हो बस। अरे नहीं जीजा जी, आप ना बेवजह ही परेशान हो रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ठीक है, अच्छा कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बोलना, ठीक है? और वो जो हमारी दिन में बात अधूरी रह गई थी, जो वो भी पूरी करनी थी। आई रियली लाइक यू रुचि, और तुम्हारे दिन के बर्ताव से मैं एक चीज जान गया हूं, कहीं ना कहीं तुम भी मुझे पसंद करती हो, है ना?
अरे वाह, तेरी इयररिंग्स तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। किसने दिए हैं? माँ ने, मेरे लास्ट बर्थडे पे। भूल गए ना आप? अच्छा, और माँ को मेरा बर्थडे तो याद तक नहीं रहता। वैसे याद तो मुझे भी नहीं है, कब होता है? छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है? जब आज तक किसी को याद नहीं रहा तो अब क्या करेंगे? अरे मेरी दीदी, आपका बर्थडे ना हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे लास्ट टाइम मेरा किया था, ठीक है? तू अलग है पागल, और मैं अलग हूँ। तू सबकी लाडली है, मैं थोड़ी ना हूँ। और फिर मैं तो अब किसी और के घर की बहू भी बन चुकी हूँ ना। दीदी अब आप ना पुराने जमाने जैसी बातें कर रही हो। दीदी, दी, रॉकी मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे फोन मत करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोबारा फोन करने की? मैंने सिर्फ इतना बताने के लिए फोन किया है कि या तो तुम सिर्फ मेरी हो या किसी की नहीं। ये सुधरेगा नहीं। अरे जिया जी, आप आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ, वो थोड़ा ऑफिस में काम कम था तो मैंने सोचा घर चलते हैं। अकेले बोर हो रही होगी ना, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। वाओ, मेरे लिए? अब लेकिन इसमें है क्या? खुद ही खोल के देख लो। वाओ जिया जी, ये तो बहुत प्यारी है। तो पहन के दिखाओ एक बार। अब भी आती कैसी लग रही हूं मैं? बहुत हॉट, खूबसूरत लग रही है। रुचि, रुचि, लगता है दीदी आ गई।
चली गई। पायल आ गए तुम ऑफिस से? हाँ, लेकिन तुम आज ऑफिस से जल्दी आ गए, घर क्या हुआ? हाँ, आज वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो। अच्छा, दवाई ली तुमने? हाँ ले लिए, थोड़ा आराम है। अच्छा ये बताओ कि ये रुचि कहाँ है? रुचि यही थी, अभी छत पे गई होगी आई थिंक। मैं देखता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। ठीक है ठीक है। मार्केट जा रही थी तो खाना बाद में खाऊंगी, ठीक है? अरे थोड़ी देर में चलते हैं ना साथ में, इतनी जल्दी क्यों जा रही है? अरे जीजा जी ना साथ में जा रहे हैं तो उन्होंने बोला मैं भी छोड़ देता हूँ। चलो अभी मैं जा रही, लेट हो रही हूँ, बाय। रुचि, अरे क्या हुआ, ये क्या हुआ है? पता नहीं दी, मार्केट से आते वक्त पीछे से किसी ने मार दिया और तब तक देखा तो भाग चुका था। तू चल मेरे साथ जल्दी अंदर, पहले इधर आ। पता नहीं कहां से क्या लगवा लाई है, संभाल के। रुक दे, दी आराम से। अरे क्या हुआ ये? पता नहीं मार्केट में किसी ने पीछे से हमला कर दिया। ये जरूर वो पागल रॉकी होगा जो उसके पीछे पड़ा था। कौन रॉकी? अरे है एक लफंगा जो मना करने के बाद भी पीछे पड़ा हुआ है इसके। उसे बाद में देखेंगे, अभी हम रुचि को आराम करने देते हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना, ठीक है? अरे वाह, तेरी इयररिंग्स तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, किसने दिए हैं? माँ ने, मेरे लास्ट बर्थडे पे। ये तो रुचि का है, ये यहाँ क्या कर रहा है? Yes, I am pregnant. हाँ रुचि बोलो। जी अजी, आप ना जल्दी से घर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? बस मुझे कुछ नहीं पता, आप बस आ जाइए। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ।
तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारा कॉल सुनके तो मैं घबरा गया था। अच्छा, तो गले लगाकर खुद देख लो कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। तुम्हारी दीदी? वो बाहर गई। तुम ना सच में पागल हो। तुम्हें पता है कितना जरूरी काम छोड़ गया हूँ ऑफिस का। अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें ऐसे नहीं बुलाती तो तुम्हें गुड न्यूज़ कैसे देती? गुड न्यूज़? मैं कुछ समझा नहीं। तुम पापा बनने वाले हो। क्या? Yes, I am pregnant. ये सब कैसे हो गया? क्यों, तुम खुश नहीं हो? हमें बहुत जल्द शादी कर लेनी चाहिए। देखो, तुम्हें दीदी को तलाक देना होगा। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुमने तो कहा था कि तुम दीदी को पसंद नहीं करते, और वैसे भी पहला प्यार मैं हूं ना तुम्हारा। तो अब क्या हुआ? ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। अरे, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? वो दीदी, मुझे कुछ काम था तो जीजू ने बोला कि मैं छोड़ दूंगा, तो बस इसलिए हम साथ जा रहे थे। और मुझे भी आज ऑफिस जल्दी जाना है। अरे, लेकिन नाश्ता तो कर। वो मैं ऑफिस में कर लूंगा। चले चल। क्या आप मुझे सच में प्यार करते हैं जीजा जी? अब अभिषेक जी। हाँ, तुम मेरी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू रुचि। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मेरा मतलब है कि मैं कल से देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब अच्छा, ये सब छोड़िए, ये बताइए कि आप दीदी को तलाक कब दे रहे? ये इतना आसान नहीं है रुचि, मुझे सोच समझ के सब कुछ करना होगा। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ ना। आप जानते हो ना कि मैं आपसे शादी करने के लिए कितनी कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। यहाँ अपने जीजा के साथ रगरलिया मना रही है। तूने मुझे धोखा देकर ठीक नहीं किया, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत दिल दुखाया तुमने मेरा। अब देखो मैं क्या करता हूं। लाइट कैसे चली गई? Thank you.
क्या हुआ? चीजू, मेरे ऊपर किसी ने हमला करने की कोशिश की। इससे पहले मैं उसे पकड़ती, वो यहाँ से भाग गया। किधर? ये रुचि का वही पुराना आशिक है, मुझे लगता है रॉकी। उसी ने मारने की कोशिश की इसे। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। ठीक है, कल चलते हैं। देखो, तुम्हें दीदी को तलाक देना होगा। सॉरी रुचि, तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बहन मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। उसकी जॉब और ईएमआई से घर चलता है। वो मेरा सपोर्ट सिस्टम है और मैं अपने सपोर्ट सिस्टम को नहीं हटा सकता, इसलिए तुम्हें हटना होगा। हेलो आरुचि, बोलो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने दीदी से बात की? आई मीन कि तुम उनको तलाक कब दे रहे हो? रुचि, मैंने तुमसे बोला था ना, मुझे कुछ टाइम चाहिए। ओफो, तुमसे इतना सा काम नहीं हो रहा? ये कोई मजाक है क्या? अच्छा तो फिर ठीक है, तुम अगर दीदी को कुछ नहीं बता रहे ना, तो मैं खुद ब खुद दीदी को आज सब कुछ सच सच बता दूंगी। तुम पागल हो क्या? मैं कुछ करता हूँ, बोला ना। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, तुमने रॉकी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की है कि नहीं? हाँ, वो ऑफिस से पहले वहीं गया था। तुम घबराओ मत, वैसे भी मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अब वैसे एक बात बताओ, आज ना मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। वैसे भी तुमसे कितने दिन हो गए मिले हुए? आ रहे हो ना? अब तुम्हें पता तो होगा कि मैं तुम्हें क्यों बुला रही हूँ। चलो आने का ट्राई करता हूँ, हाँ पर कंफर्म नहीं बोल सकता। ठीक है, ओके बाय। ये आदमी मुझे बेवकूफ बना रहा है। एक तरफ तो मेरे साथ है और दूसरी तरफ अपनी बीवी को तलाक भी नहीं दे रहा। तो कोई भी नहीं था, फिर वो शायद मेरा वहम होगा।
नंगिया है ये मेरी बहन। अरे पुलिस को फोन लगाओ ना। हेलो पुलिस स्टेशन। देखो कहीं कुछ मिलता है क्या। क्या आपको किसी पे शक है? नहीं सर, मेरी बहन बहुत मासूम थी। कोई ऐसा क्यों करेगा भला इसके साथ? क्या दुश्मनी रही होगी? सर प्लीज प्लीज पता कीजिए किसने मारा है मेरी बहन को। सर मुझे एक आदमी पे शक है, इसका एक्स बॉयफ्रेंड रॉकी। वो उसके प्यार में पागल था और रुचि की 100 बार मना करने के बाद भी उसके पीछे पड़ा रहता था। ये जरूर उसी ने किया है सर। ठीक है, हम रॉकी को ढूंढते हैं और तुम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। सर कुछ कहा क्या इसने? जी अभिषेक जी, हमने रॉकी से पूछताछ करी है और पता चला है कि वो गुनहगार नहीं है। क्या आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर रॉकी गुनहगार नहीं है तो फिर मेरी बहन को किसने मारा इंस्पेक्टर साहब? अभिषेक जी, रुचि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और इसमें साफ लिखा है कि रुचि प्रेग्नेंट थी। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है पायल जी, क्योंकि आपकी बहन का अफेयर था आपके पति के साथ और वो बच्चा किसी और का नहीं अभिषेक जी का ही था। अभिषेक ये सच बोल रहे हैं? ये सच है सर कि हमारा अफेयर था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। हम जानते हैं कि आप सच कह रहे हैं अभिषेक जी। क्यों पायल जी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? चलिए अब मैं आपको समझाता नहीं कुछ दिखाता हूँ। ये वीडियो हमें रुचि के फोन से ही मिला था। हाँ। मैंने ही मारा है रुचि को। मारना चाहते हो? हाँ,
मैं तुझे मारना चाहती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि बचपन से लेकर आज तक तूने मेरी सारी खुशियाँ छीन ली, समझी? तुम मुझे सब प्यार करते रहे, मुझसे किसी ने प्यार तक नहीं किया, सबने मुझे इग्नोर किया। बचपन से सबने तेरी तारीफ करी लेकिन मेरी तारीफ किसी ने नहीं करी। सब तुझे मानते थे, मुझे कोई नहीं मानता था। आज तू मेरा पति मुझसे छीनना चाहती है। मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे मेरे पीछे पड़े थे, आप यकीन करो। चुप, मैं जानती हूँ सब तूने किया है। मैं तुझे पहले ही दिन से नोटिस कर रही थी। अब हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए और तुम्हें दीदी को तलाक देना होगा। ये क्या कह रही हो तुम? तुमने तो बोला था कि तुम दीदी को पसंद नहीं करते, और वैसे भी पहला प्यार मैं हूं ना तुम्हारा, तो अब क्या हुआ? ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। लेकिन मैं तुझे तब नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे जानती हूँ इस गलती की कोई माफी नहीं है, और आप मुझे जो सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ इंस्पेक्टर साहब। I'm sorry पायल, sorry मैं बह गया था। पायल जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। I'm sorry पायल। I'm sorry।